हेलो हेलो गुड 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 इवनिंग इवनिंग फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में हम सेकेंड लास्ट सेशन पे आ चुके हैं बेटा पॉपुलेशन इंटरैक्शन थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी इसको इसलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है आज और कल हम दो सेक्शंस में इसको पढ़ेंगे ठीक है

घर पे डिलीवर हो जाएगी ठीक है दीज ऑफर्स वैलिड टिल सिक्सटीन ऑफ जुलाई मतलब मिड तक आपके पास अवेलेबल है और दोनों के बाद मेरा पेपर आपका प्लस पे सेशन शुरू हो जाएगा बैच का नाम है संजीवनी बैच ऑलरेडी आप लोग इसको जानते ही हो हम लोग अप्रैल से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इलेवेंथ के लिए आई एम स्टार्टिंग सेल हियर एंड फॉर ट्वेल्थ क्लास आई एम कंटिन्यूइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सात तारीख से शुरू हो जाएगा सेशन ठीक है तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज अभी गेट इन टच विद द टीचर्स एंड उसको क्लियर करो और भी बहुत सारे ऐसे बैचेस प्लस पे आ रहे हैं वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर अ रिविजन कैम्प जिसमें मैंने कल प्लांट किंगडम का रिविजन कराया था सो दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो 2021 वाले बच्चे जितने भी हैं वो इसके लिए जा सकते हैं ठीक है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर प्रिंसिपल्स पॉपुलेशन इंटरक्शन पार्ट वन ठीक है चलो बेटा लेट्स गो लेट्स इंटरक्ट एंड लेट्स सी वॉट देखो क्या बात है कि हमने जब ये चैप्टर शुरू किया तो हमने बोला ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बायोम्स और इको ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में ठीक है और इकोलॉजी आल्सो डील्स विद ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इंटरेक्शन दैट इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड बायोम्स ठीक है ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने अडेप्टशन और ये सब चीजें पढ़ ली थी स्टार्टिंग में कि वो ए बायोटिक फैक्टर्स को कैसे अडेप्ट करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए थे लास्ट में बायोम्स और बायोम्स के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हाउ आर डिफरेंट बायोम्स फॉर्मड नाउ वी हैव द लास्ट कैटेगरी एंड दैट इज की दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कब करती हैं क्यों करती हैं और वॉट काइंड ऑफ इंटरैक्शन आर पॉसिबल वाई आर पॉपुलेशन इंटरैक्टिंग विद वनदर दो स्पीशीज या दो से ज्यादा स्पीशीज आपस में क्यू इंटरेक्ट करती है वट इज द रीजन क्यों नहीं अपने आप अकेले अकेले रह सकते द रीजन फॉर इंटरैक्शन बी वन फूड खाने की वजह से हो सकता है दूसरा शेल्टर शेल्टर के लिए हो सकता है एंड थर्ड कैटेगरी दैट यू माइट फाइंड Is based on behavior, such as breathing, या फिर हंटिंग बिहेवियर वो फूड के लिए हो जाएगा ग्रुप में साथ रहने की आदत है एग्रीगेशन की आदत है ऐसा कुछ इंटरैक्शन है ठीक है सो मेन हमारे पास तीन रीजन होते हैं या तो कम्युनिटी में रहने की आदत ऐसे इंटरैक्शन की आदत दैट इज लास्ट बिहेवियर पार्ट या फूड एंड शेल्टर ज्यादातर फूड और शेल्टर के बेसिस पे ही हमारे इंटरक्शन होते हैं ना देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वाले घर में जो पड़ोसी रहते हैं उनसे जब आप बात करते हो तो वॉट ऑल पॉसिबल इंटरक्शन आर पॉसिबल हियर वी या तो जीरो इंटरैक्शन आप बात ही नहीं कर रहे हो नो no इफेक्ट आपको पता ही नहीं है कौन रहता है आपके सामने वाले घर में उनको नहीं पता आप जीरो इंटरेक्शन आई डोंट केयर हु यू आर जब अपना काम करो मेरे को अपना काम करने दो जीरो इंटरेक्शन ये भी अच्छी चीज है खैर पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है किसी को समबडी इज बेनिफिटेड ठीक है अब आप सामने वालों से इंटरक्ट कर रहे हो अब कभी कभार कहीं आपको जाना है आपने घर की चाबी दे, दे दी कि लो जी मम्मी आएंगी तो आंटी दे देना दे चाबी मैं जा रहा हूं खेलने ठीक है तो कुछ पॉजिटिव इंटरक्शन एंड इज नेगेटिव इंटरेक्शन तो दिस इज हार्मफुल सामने वालों को पता है आप लोग चार दिन बाहर गए हुए घूमने उन्होंने तुम्हारे घर में चोरी करा दी सॉर्टेड <laughs> पड़ोसी तुम्हारे पास है ना कितने मस्त पड़ोसी मिले तुमको तो या तो जीरो इफेक्ट नॉट बेनिफिटेड पॉजिटिव इज बेनिफिट किसी एक को फायदा हो रहा है दोनों को शायद फायदा हो रहा है एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है दोनों या किसी को हार्म हो सकता है कि कौन रह रहा है सामने पता नहीं है ठीक है There is a possibility of either. अब इनके बनते हैं हैं हैं. ना? या तो positive, positive हो। इसको हम कहते दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। This is known as mutualism. ठीक एक को फायदा दूसरे को फायदा एक और तरीके का होता है कॉर्पोरेशन अब इसमें ना डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगी लेकिन इसको ऐसे समझो म्यूचुअलिज्म ऐसा हो गया कि बस मैं जी ही नहीं सकता तेरे बिना है ना मतलब बिल्कुल जिंदगी डिपेंडेंट हो गई है सामने वालों पे पड़ोसी पे राइट रिश्तेदारी ये आओ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते वाली कहानी चल रही है, है। प्रोटो कॉर्पोरेशन इज ओके चाबी उतना उतना काम है हाँ जी नमस्ते जी हेलो आंटी हाउ आर यू ये चाबी दे देना दे मम्मी को मम्मी आएंगे तो मम्मी शॉर्ट ज्यादा नहीं डिपेंडेंस लेकिन हाँ मदद कर देते हैं एक दूसरे की जब जरूरत होती है राइट देन देर इज कॉमन सेलिज्म एक का फायदा दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ठीक है जैसे जैसे सामने वालों के घर पे लगा हुआ कड़ी कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ता अब है मम्मी ने बोला बनाना, है। जा भाग के के कड़ी पत्ता, आप गए तोड़ के ले आए। आंटी चिल, आंटी like, इतने पत्ते है, एक ले भी अपना घर में और दूसरे को कम एंसर आई वन इज लीस्ट बॉर्डर जिंदगी सुकून में चल रही है ठीक फिर आता है कॉम्पिटिशन कंपटीशन में आंटी बोले मैं चार पेड़ लेके आई मम्मी बोल रही है आपके कहा हम आठ पेड़ लेके आएंगे आंटी बोले हम छे पेड़ और ले आए हम मम्मी बोले हम दस पेड़ लेके आएंगे घर पूरा जंगल बना दिया दोनों ने घर में जगह नहीं है सारा घर का सारी जितनी भी सैलरी है सारा घर के पेड़ खरीदने में जा रही है कॉम्पिटिशन ठीक है लड़ाई मची हुई है भाई मेरा घर ज्यादा सुंदर मेरा घर ज्यादा सुंदर वाली लड़ाई सो कॉम्पिटिशन इज फेयर बोथ आर गेटिंग हार्म जो खर्चा कहीं और होना चाहिए था घर में सुंदर बनाने में हो रहा है खर्चा ठीक है दोनों को बेनिफिट नहीं है नेगेटिविटी जा रहा है कुछ तो कुछ तो उल्टा पुलटा हो रहा है देन दैट इज फ्रीडेशन एक का फायदा दूसरे का नुकसान ठीक है हम अपना घर तो सुंदर बनाएंगे लेकिन एक काम करते हैं सामने वाले घर का गार्डन जला देते हैं या वहां पे कोई गाय या कुत्ता या बिल्ली छोड़ देते हैं उनका गार्डन तबाह हो गया हमारा सुंदर है तो दिस इज अनदर लेवल ऑफ फ्रीडेशन दैट वी आर क्रिएटिंग योर देन सिमिलरली पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म एक आंटी है अपने घर में खाना बनाती ही नहीं है बोले मैं तो इसी के घर से कहा ठीक है अब आप उसका तो फायदा हो रहा है वो तो रोज आ जा रही है डिनर करने रोज आ जा रही है लंच के टाइम पे हेलो आंटी टिंग टांग क्या बनाया इस खाने में तो पैरासाइट ठीक है पैरासिटिक आंटी जी आ रही है रोज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना खा के जा रही है उनके लिए तो पॉजिटिव है लेकिन तुम्हारे घर पे एक एडेड बर्डन हो गया है ना एडेड बर्डन हो गया कि आपको खाना खिलाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव यू हैव टू पॉसिबिलिटीज एंड देन लास्ट इज एम एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा है दूसरे का घर जल रहा है

समझे इंटरैक्शन पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ठीक है और अगर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जीरो, जीरो वाला जीरो कब जीरो होगा अगर जीरो जीरो इंटरैक्शन है तो भाई देन देर इज नो इंटरक्शन न्यूट्रल इंटरैक्शन मीन देर मैटर यू एग्जिस्ट और यू डोंट एग्जिस्ट डोंगिस्ट दैट इज नॉट एन इंटरक्शन ठीक है तो इसलिए जीरो जीरो वाला नहीं आया बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमने बना डाले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉर्पोरेशन कमेंसलिज्म एंड हो सकेगा तो प्रिडेशन भी ठीक है ये मैं आज करा दूंगी बाकी कल करेंगे ठीक शाबाश आ जाओ और बुला लो सबको लेट्स गेट स्टार्टेड विद म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म इज वी आर बोथ गेटिंग बेनिफिटेड तो म्यूचुअलिज्म में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा है लेकिन इतना ज्यादा फायदा है कि अब इनकी जिंदगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुकी है म्यूचुअलिज्म में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ऑफ ऑलमोस्ट लाइफ साइकिल डिपेंडेंट फायदा इतना ज्यादा कि जिंदगी नहीं कंप्लीट कर पाएगा उसमें से कोई एक ठीक है सो हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन जैसे कि इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाता है सबसे पहला लाइकिन का लाइकिन के अंदर हमारे पास एल्गी और फंजाए। We have algae plus इन दोनों के इंटरक्शन हमारे पास ऑलमोस्ट इतना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि इतने ज्यादा साथ में एल्गी और फंगस चिपके होते हैं कि इन दोनों को आप दो अलग ऑर्गेनिज्म है ये भी नहीं बता पा बता सकते राइट सो सच सच इंटीमेट रिलेशनशिप दिस इज ठीक है फायदा क्या हो रहा है एल्गी खाना बना के देता है और फंगस न्यूट्रिशन ला के देता है शेल्टर प्रोवाइड करता है तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि इंडिविजुअली शायद ये एग्जिस्ट ना ही करे साथ ही करते हैं एग्जिस्ट सो दिस इज अ प्लान प्लांट इंटरक्शन ठीक अगला एक और ऐसा एग्जाम्पल जो आपने देखा है दैट इज अक्रोराइजर तो आप देख रहे हो लाइकन और माइकोराइजा वाला पॉइंट कितनी बार रिपीट हो चुका है आपके पूरे थियोरी वाले पार्ट में दिस इज फंजाई प्लस रूट ऑफ हाइयर प्लांट्स रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स ठीक है फंजाई और रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट्स है इनमें भी यही फायदा रूट क्या कर रहा है रूट शेल्टर दे रहा है फंगस को कि हाँ चलो यहां रह लो तुम खाना भी ले लेना ले मुझसे वहीं पे फंगस बदले में बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट और पानी एब्जॉर्ब करके देके जा रहा है सो so, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है हाईली डिपेंडेंट अकेले अकेले जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते इतना लेवल ऑफ डिपेंडेंस है फिर आता है पॉलीनेटर ऑफ पोलन एंड पॉलिनेटर ये प्लांट प्लस पॉलिनेटर पॉलीनेटर को तो आपने बेटा देखा था सेक्शल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉवरिंग प्लांट्स में काफी चीजों के लिए डिपेंडेंस आ जाता है प्लांट का फायदा यह है कि वो पॉलीनेट हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे है ना और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए गेमीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा है। पॉलिनेटर को क्या मिल रहा है? Shelter. Shelter, है ना रहने के लिए जगह मिल जाती है फूड मिल जाता है नेक्टर वगैरह मिल जा रहा है खाने के लिए जगह मिल जा रही है ठीक फिर और क्या हो जाएगा सेफ प्लेस टू ले एग्स ंग के लिए जगह मिल जाती है सो इट इज ऑल्सो बेनिफिटेड आपके इंसेक्ट को भी फायदा हो रहा है अब यहां पे ना एक थोड़ा सा गड़बड़ जो कर जा रहा है एंड दैट इज इज इट टेकिंग एनसीआरेशन ये uh, pseudo -population. Pseudo -population वाला भी जो एग्जाम्पल है ना जिसमें आपने ऑर्किड पढ़ा था एन ऑर्किड दिस इज एन ऑर्किड ऑर्किड का नाम है ओफाइरस ठीक है और कॉल्पा बी इनके इंटरेक्शन को एनसीआरटी म्यूचुअलिज्म में बोल जाती है जबकि ऐसा नहीं है है ना इसमें तो याद है आपको धोखा देता था ये जो है ऑर्किड ये फीमेल बी जैसा दिखता है और मेल बी कॉपुलेशन के लिए आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आता है ये सोच के कि ये एक फीमेल बी है ठीक है उतने में ये इस पर्टिकुलर प्लांट को पॉलिनेट कर जाता है लेकिन बी का तो कोई फायदा नहीं है ना यहां पे उसका तो कोई खास फायदा नहीं है इट इज नॉट एग्जैक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म लेकिन हां हम ये कह सकते हैं कि ओफाइडस फिर अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा वो बुद्धू बना रहा है सामने स, ये स्यूडो कॉपुलेशन के लिए हमने एक वर्ड पहले भी यूज किया है नोन एज सेक्शुअल डिसीट सेक्शुअल डिसीट बेवकूफ बनाया उसने किसका कॉल्पा बी का ठीक है मेल कॉलप बी का क्यों क्योंकि सारी मार्किंग स्मेल साइज सब कुछ वैसा कर लिया जैसा कि फीमेल कॉल पबी का होगा ठीक है बट हियर कुछ छोटे वोटे हमारे पास इंस्टेंसेस हैं जहां पे कि इस कॉल बी को नेक्टर मिल सकता है ठीक है तो जब उसको रियलाइज होता है दैट दिस इज नॉट अ बी एंड इट्स अ प्लांट तो उस टाइम फिर वो नेक्टर लेके चला जाएगा बट इतने ज्यादा इंस्टेंसेस इसके भी नहीं है ठीक है इतने ज्यादा इंस्टेंसेज नहीं है इस चीज के सो so, ये ना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा ये नॉट सो करेक्टली प्लेस्ड ठीक है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना ठीक है हाँ जी बेटा राइट right? तो ये सारे सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आए म्यूचुअलिज्म वाले अब म्यूचुअल mutual, म्यूचुअलिज्म तो बिल्कुल मतलब जिगरी दोस्ती हो गई ना जिंदगी कंप्लीट करने वाली बात हो गई लेकिन एक होती है कि हाँ चल ठीक है तू है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है चला लूंगा मैं तुम्हें मरा नहीं जा रहा तेरे बिना लेकिन आप मदद कर देगा तो ठीक है यार तो प्रोटो कॉर्पोरेशन इज लाइक छोटा भाई ऑफ म्यूचुअलिज्म दिस इज आल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन बट वी आर नॉट लाइफ साइकिल डिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंस है बट पूरी तरीके से कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल राइनो राइनो एंड दिस येलो और रेड ऑक्सपेक्टर बोलते हैं इसको ये बर्ड जो है आपकी ये राइनो के ऊपर बैठती है राइनो क्लीन हो रहा है और ये राइनो के ऊपर से पैरासाइट रिमूव कर रही है राइनो बस बैठा हुआ है आपने वैसे गाय वगैरह के ऊपर भैंस वगैरह के ऊपर भी बैठे देखा होगा उनके ऊपर से ना स्किन पे से मस्त खाते रहते ये तो स्किन क्लीन कर रहा है उसके ऊपर से सर्फिस पे से जो पैरासाइट वगैरह वो उसके ऊपर से खा लिया उसके ऊपर बैठे भी हुए अब कोई डेंजर आया ना तो ये सारे बर्ड उड़ते हैं एक साथ तो राइनो को यह भी आइडिया लग जाता है कि कोई डेंजर है समझ रहे हो तो राइनो को फायदा क्या हो रहा है तो साफ हो रहा है ऊपर से कोई आएगा डेंजर आएगा तो वो भी बता देगा इसको ठीक दिस इज इन दर्ड कैटेगरी फूड शेल्टर या बिहेवियर बिहेवियर क्या आपको डेंजर के बारे में इंडिकेट करके गया ठीक है वहीं पे आपको जो बर्ड थी उसका क्या फायदा हो रहा है उसको खाना मिल रहा है फूड सो इट्स है ठीक फिर आता है हमारे पास ये मस्त क्रोकोडाइल और उसकी ब्रश crocodile and the फ्लोवो bird ठीक है बर्ड को क्या मिल रहा है फूड मिल रहा है वो पैरासाइट उसके बकल कैविटी में से हटा रही है और क्रोकोडाइल का क्या हो रहा है ब्रश हो जा रही है ठीक है क्रोकोडाइल ऐसे मुंह खोल के आराम से के ये बर्ड अंदर जाती है ला, ला, ला सारा पैरासाइट वगैरह खाती है और आ जाती है बाहर क्रोकोडाइल मुंह नहीं बंद करेगा तुम जाओगे तो मुंह बंद कर लेगा ठीक है वैसे इसका मुंह खुला रहेगा क्यों क्योंकि तो इसको पता है ये आएगी तो ये ब्रश होगा वरना नहीं होगा ये पैरासाइट मेरे मुंह के अंदर लगे रहेंगे फिर उनको कौन हटाएगा तो जानवर उसके बंद नहीं करेगा मुंह अगर उसे कर दिया ना दस बारह बार लगातार थोड़े सालों तक तो फिर ये बर्ड आना छोड़ देगा बोले हट तो बेवकूफ बनाता है तो अवॉइड ठीक है बर्ड का फायदा क्या है उसको खाना मिल रहा है क्रोकोडाइल का फायदा क्या है उसको क्लीन हो रहा है उसकी जिंदगी मस्त सुकून में चल रही है साफ सफाई थर्ड एग्जाम्पल दैट वी हैव इज ऑफ सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब हर्मिट क्रैब प्रोटेक्शन बास बॉडीगार्ड है वो उसका प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको गेट्स प्रोटेक्शन Hermit, crab, को प्रोटेक्शन मिल रहा है क्यों क्योंकि के जो है, करेंगे और सब जगह घुमाऊंगा तेरे को खाना खिलाऊंगा ठीक है तेरे को कोई खर्चा नहीं करना साइट सीन खाना वाना सब मेरे ऊपर यू जस्ट प्रोटेक्ट मी सो जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह के बॉडी होते हैं ना वैसे बॉडी जैसे काम कर रहा है सी एनिमोल इज एक्टिंग एज ए बॉडी गार्ड सो प्रोटेक्ट द हॉर्मेड क्रैप तो उसको कोई खाएगा नहीं वहीं पे बदले में हॉमेड क्रैप जो भी कुछ खाता है उसके जो पार्टिकल बचते हैं वो सियानिमोन खाता है ठीक है तो सी एनिमोन को क्या मिल रहा है फूड मिल रहा है शेल्टर मिल रहा है और ट्रैवल देख रहे हो डोंट यूटीमोन ठीक है अब सी एनिमोन के साथ क्या है खाना मिला जो हॉमेड क्रैप ने खाया उसका जो बचा कुछ उसके पास गया शेल्टर मिला रहने के इसके मिल रही है, और साथ, 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 साथ सीन। अब हर्मिट क्राफ्ट जहां जहां जाएगा, सी या फिर वो अपने भी वहां पे रख सकता है। तो ये ज्यादा फैल पाएगा मोट डिस्पोजल कंपेयर टू जो सियानमोन एक जगह बैठा रह गया उसके कंपेरेटिवली जो हर्मिड क्राफ के पीछे है ज्यादा ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा है ना और ज्यादा ज़्यादा जगह पर उसको क्या कहते हैं प्रॉपगेट होने का मौका मिलेगा ठीक है क्लियर स्प्रेड मोर राइट करेक्ट शाबाश मोर डिस्पोज़ल एब्सोल्युटली करेक्ट चलो आगे सो so, ये तीनों प्रोटोकॉर्पोरेशन समझ में अब देखो यहां सी एनिमोन बिना हर्मेड क्राफ्ट के भी रह सकता है हर्मेड क्राफ्ट बिना आनि सी एनिमोन के भी जिंदा रह सकता है जिंदगी डिपेंडेंट नहीं है

तुमको खाएगा मस्त खोपड़ी फोड़ेगा तुम्हारी ठीक है चलो नेक्स्ट ये तो हो गए अच्छे अच्छे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरेक्शन अब आ जाते हैं हम थोड़ा one -sided, एक प्यार, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ठीक है ऐ दिल मुश्किल हो गया इसके साथ ये जिंदगी में बेचारा बहुत एक का फायदा कर रहा है दूसरा बोल है इसको तो कोई जीरो, कैटल एंड कैटल ईग्रिट्स, कैटल ईग्रिट्स, कैटल मस्त क्लीन कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जीरो अंडा ईग्रिट गेटिंग फूड तो जिसको फायदा होता है ना बेटा एक पॉजिटिव है एक जीरो है जीरो वाले का आई डोंट केयर बट जो पॉजिटिव वाला है उसको हम बोलते हैं कमेंसल। तो यहां पर कमेंसल कौन हो गया ईगल्स। अब देखो गाय है मस्त चल रही है अपनी मस्ती में ठीक है खाया जैसे उसने खाया ग्रास उखड़ी ग्रास जैसे उखड़ती है वो थोड़ा सा नीचे से आपका सॉइल भी अपरूट कर देती है ठीक और ये बर्ड्स साथ साथ चलते हैं कि जैसे यह खाएगा यहाँ आसपास जो कीड़े होंगे हम वो खा लेंगे ठीक है गाय ने जैसे ही वो आपका ग्रास हटाया वो जैसे थोड़ा सा पार्ट अप्रूट हुआ सॉइल का वहां जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स नीचे थे वो इन्होंने फटफट फटपट इधर करके खावा फायदा किसका बर्ड का मक्खी उड़ाते हैं चलो मस्ती में अपनी ये दूसरा एग्जाम्पल सी एनिमोन यहां पर भी आता है सी एनिमोन एंड नीमो आपने देखा होगा क्लाउन फिश क्लाउन फिश इज गेटिंग पॉजिटिव नीमो ये आपके सी एनिमोन जीरो इसको क्या मिल रहा है शेल्टर सी एनिमोन वही बताया आपके टेंटिकल्स थोड़े टॉक्सिक है ठीक है उससे डर लगता है बाकियों को तो सी के अंदर घुस के रहता है क्लाउन फिश क्लाउन फिश को नहीं लगता डर, एक भी यही ले करेगा, यही रहेगा सारी जिंदगी। है इसमें इस ना शेल्टर की ही कहानी होगी क्योंकि शेल्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है खास जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस यू हैव मैंगो ट्री प्लस ऑर्किड्स अब ऑर्किड का तो फायदा हो रहा है ऑर्किड्स को फिर से शेल्टर मिल रहा है नो टेंशन मुंह से कुछ गड़बड़ निकलने वाला है एवरी टाइम आई एम स्टॉपिंग माय चलू ठीक है अब देखो यहां पे इतना बड़ा पेड़ है बोले मेरे तो ब्रांचेस ही ब्रांचेस ऑर्किड बोले मेरे को जगह दे, दे फिर तो फिर बोला ठीक है

वो अपना नरिशमेंट हवा पानी है, सब कुछ हवा से उठाने वाले हैं न्यूट्रिशन ठीक है वो यहाँ से नहीं लेके जाएगा कुछ भी आपके पास से इसके ब्रांच में से कोई न्यूट्रिशन नहीं करेगा वो सर्फेस से लेगा जो भी एटमोस्फेयर से लेगा मैंगो प्लांट इज लाइक ओके वट एवर लिव डोंट डिस्टर्ब मीट लाइक ओके आई विल नॉट आई एम टेकिंग द टॉप ब्रांच बोले ठीक है कूल है बाहर निकल सा यह देखो ना वेल की जिंदगी वेल सो ह्यूज इन साइज निकल लोग गए वहां पे निकल लोग बोले बोले मस्त लोग मस्त जगह है तो इतना बड़ा घर तुम्हारा अपना थोड़ा सा जगह दो तो फिर बोले, है लो। वेल बोले जीरो, बार्निकल्स। बार्निकल्स गेट शेल्टर तो कमेंसल कौन हो गया बार्निकल्स बोले मस्त इतना बड़ा बॉडी है यार थोड़ा साइड सा में बोले हाँ ठीक है अंडा ठीक है सामने वाला डजेंट so, -E है क्लाउन फिश सेल है और कितना सॉरी कमेंसल कमेंसिल कमेंसल barnacles कमेंसल पॉजिटिव जिसको इफेक्ट आ रहा है कमेंसल ठीक है अच्छा बोस मैम दांत साफ नहीं होंगे तो तुम्हारे दांत साफ नहीं होंगे तो क्या होगा क्या होगा क्या जी बार्निकल्स आई थिंक आपके उसमें आते हैं ऐसे कैलकेरियस शेल बनाते हैं एनिमल किंगडम में आएगा आपके पास आई थिंक मुल्स में आते हैं बट एक बार जोलॉजी मैम से क्रॉस चेक कर लेना आई थिंक उसी कैटेगरी में आएगा ठीक है ओ ये याद रखना है मैम नहीं बेटा मेरा मन किया आज आऊं और दिमाग में कचरा भर के जाऊं सो स्वीट स्पेशल क्लास विल बी टुमारो मोरो नाइन थर्टी पूरे चैप्टर का एक साथ टेस्ट होंगे भूल जाना नहीं चल नेक्स्ट एम ये कमेंसेलिज्म का उल्टा ठीक है एम इज नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन नेगेटिव जीरो इंटरक्शन ठीक है सोच के देखो एक को फर्क ही नहीं पड़ रहा और दूसरे को हार्म हो रहा है तो इसका मतलब वन ऑफ देम केयर व्हाट इज और वो इंटेंशनली सामने वाले को हार्म नहीं कर रहा है गलती सामने वाले की है तुम आके यहां रुके इसमें जो नेगेटिव जिस पे इफेक्ट आ रहा होगा उसको आप बोलोगे एम उसको क्या बोलोगे एम जिस जिसपे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है एमेंसलिज्म के बहुत सारे और नाम भी हैं जैसे कि एंटी बायोसिस और एलिलोपैथी ज्यादातर एलिलोपैथी वाला टर्म हम प्लांट्स में यूज करते हैं ठीक है ठेके? तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया बायोलॉजिकल एंटेगोनिज्म ऐसा ऐसा कुछ कुछ नाम है अगेंस्ट चल रहा है एक एक हार्म करेगा जैसे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल उसका आएगा ये पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोकोकस ये जो कॉलोनी है स्ट्रेप्टोकोकस की थी बैक्टीरिया ठीक है और यहां पे, penicillium. अब penicillium को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो तो एक्सटरी प्रोडक्ट वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है अपने सराउंडिंग में पेनिसिलिन, उसने थोड़ी ना बोला इसको यहां आके रहे बेवकूफी किसकी इसकी बोले तू रहा है यहां पे मेरे चारों तरफ तो तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तू झेल मैं मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है मेरा तो प्रोसेस है आई विल रिलीज केमिकल इन माई सराउंडल कंटेन योर पेनिसिलिन और में उसमें आके साइड में ग्रो हो गए तो तुम्हारी बेवकूफी है सो वन इज गेटिंग हार्मी अदर वन इज नाइट द गेटिंग बेनिफिटेड नॉर हार्म अंडा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है एक को कि बैंड बजी हुई है बिल्कुल ठीक है ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है इसमें ब्लैक वॉलनट ठीक है जगल साइंटिफिक नेम वॉलनट का ये रिलीज करता है बेटा एक केमिकल नोन एज जगलोन दिस इज अ केमिकल रिलीज्ड अब इस केमिकल के रिलीज होने की वजह से इसके आसपास ये इसको तो जीरो फर्क पड़ा इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है Immensal कौन हो जाता है कुड़ बी सम एप्पल ट्रीज एप्पल का जो ट्री उसके आसपास अगर लगाओगे तो नहीं लगेगा क्यों क्योंकि उसके सॉयल में ऐसा केमिकल आ गया ठीक है जगलोन्स आ गए जगलोन्स की वजह से देर इज नो नो ग्रोथ ऑफ एप्पल और सम एल्फा एल्फा कुछ ऐसे प्लांट्स उसके आसपास ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक है आपने ये भी देखा होगा ज्यादातर कुछ बड़े प्लांट्स जैसे नीम है नीम भी अपने जस्ट नीचे नीम को नहीं ग्रो करने देता आप देखो कितनी निम्बोरियाँ गिरती हैं वहीं, है ना नीम का जब फ्रूट गिरता है जब उसका ही सीड वहां पर गिर रहा है लेकिन वो germinate नहीं कर रहा आप देखोगे ये चीज़ कि नीम के पेड़ के नीचे ही नीम नहीं लगता कभी भी न्यूट्रिशन तो इतने इतने नहीं मिलेगा ना सिमिलरली ग्रासेस वगैरह भी बहुत रेयरली नीम के पेड़ के नीचे ग्रो करते हैं आजादी रेक्टिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आजादी रेक्टाइंडा विच इज नीम तो वहां पर भी थोड़ा हमको ये सिमिलर सा इंटरेक्शन दिखाई देता है ऐसे एक और हमारे पास प्लांट है कॉन वॉल्व्यूलस। कॉन वॉलव्यूल वॉलव्यूल इसकी वजह से ये जीरो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता और इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट आता है वीट वीट पे ठीक है ट्रिटिकम दैट इज नॉट एबल टू ग्रो राइट अरे क्या लिख रहे हो कौन सी भाषा है ये चलो ठीक है सो गॉट एन आइडिया लिटिल बिट ऑफ आइडिया तीन चार टाइप के इंटरक्शन का चार टाइप के इंटरेक्शन हो गए म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉर्पोरेशन ठीक है एक आ, चाहो तो थोड़ा सा कहीं कहीं ना दिस इज समवेयर नीट लेवल पे तो नहीं पूछा गया है अभी तक बट आई एन बीओ एन जो ओलंपियाड लेवल है ना उनमें पूछा गया है खैर ओलंपियाड का लेवल ज्यादा ऊपर होता है नो डाउट अबाउट इट क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट में आपका नॉलेज चेक करते हैं है ना जैसे बायोलॉजी ओलंपियाड होता है uh, मैथ्स ओलंपियाड होता है दे आर मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑब्वियसली दे आर चेकिंग योर नॉलेज इन वन सब्जेक्ट यहाँ आपका एक सब्जेक्ट चेक नहीं हो रहा है यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट इक्वली चेक हो रहे हैं एक तरीके से सो so, ऐसे जो ग्राफ्स हैं कुछ ग्राफ्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आप एम सेलिज्म के लिए कैसा ग्राफ लगा सकते हो कि मान लो आपके पास एक स्पीशीज है उसका ग्रोथ इतना है दूसरी स्पीशीज का ग्रोथ इतना है ठीक है दिस इज ए स्पीशीज दिस इज बी स्पीशीज इस पॉइंट पे आप इंट्रोड्यूस कर देते हो उस स्पीशीज को आपस में आप अलग जगह ग्रोथ देख रहे थे ए का और बी का ठीक है अब आपने क्या किया है एक के सामने चेक करना है आपको कि बी कैसा काम करेगा थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ बी को इमेजिन जब ये अकेले अकेले थे तो इनका ग्रोथ कुछ ऐसा चल रहा था ए और बी स्पीशीज का आपने आपस में जैसे पेनिसिलिन को आप ही प्लेट पे ग्रो कराओगे तो एक तो सीधा सीधा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और दूसरे के पॉपुलेशन में डिक्लाइन दिखाई देगा आपको तो ये जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ा जिसके ग्रोथ पे वो तो जीरो हो गया और जिसका पॉपुलेशन डिक्लाइन गया वो नेगेटिव हो गया इज so, like को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ग्रोथ से, और दूसरे काम सेलिज्म का, का बता दूं तो क्या होगा कॉमन सेलिज्म के लिए आपके पास जो ग्राफ दैट वुड बी ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस वन ए कोई फर्क नहीं पड़ रहा बी शायद अकेले थोड़ा कम ग्रोथ दिखा पा रहा था कम ग्रोथ दिखा रहा पा रहा पा था दिखा पा रहा था जैसे ही आप इंट्रोड्यूस कर दोगे इन दोनों को आपस में ए पे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन बी का ग्रोथ बढ़ गया क्योंकि उसको तो फायदा हुआ है ना उसको तो फायदा हुआ है सो द ग्राफ इज गोइंग टू गो अप शूट अप होगा इसका ग्रोथ ठीक है अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा ये कमेंसल है ये जीरो ठीक है बेटा म्यूचुअलिज्म तो सिंपल है म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉर्पोरेशन इज क्वाइट सिंपल दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक साथ ही ग्राफ बढ़ेगा एक साथ ही झुकेगा फिर एक साथ बढ़ेगा फिर एक साथ झुकेगा ठीक है हाँ जी अब आ जाते बेटा लास्ट वाले लास्ट कैटेगरी पे जो मैं आज करा रही हूँ प्रिडेशन इसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे ठीक है और कल सारे चैप्टर सारा पोर्शन रिवाइज करके आना क्योंकि कल साढ़े नौ बजे मैं हंड्रेड क्वेश्चन कराऊंगी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन करेंगे हम ठीक है और उसके बाद डाउट्स बचेंगे तो डाउट्स भी ले लूंगी सो so, कल तक प्लीज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ के आना एंड टूम क्लास वी विल गो फॉर दी क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट क्रिडेशन प्रेडेशन है हमारा बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव इंटरक्शन पॉजिटिव कौन प्रिडेटर और नेगेटिव कौन प्रे ध्यान रखना क्योंकि कल की क्लास में जब पैरासिटिज्म पढ़ेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी पैरासिटिज्म से इन, वो करूंगी मैं को रिलेट करूंगी प्रिडेशन में प्रिडेटर को फायदा है डेटर इज यूजली लार्ज इन साइज और प्रेक छोटा होता है ठीक है और सबसे बड़ा फायदा प्रिडेशन के अंदर वन प्रिडेटर इज लार्जर एंड द सेकेंड पॉइंट इज प्रे डाइज इमीजिएटली ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उससे नरिशमेंट लिया जा रहा है खच डेड खलास एक बार में उड़ा देंगे उसको ठीक है उड़ा देंगे उसको हां जी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन अब प्रिडेटर में कुछ तो खूबियां होनी चाहिए क्यों प्रिडेशन इतना इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए प्रिडेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन ठीक है ये प्रिडेशन एग्जिस्ट करता है इसी की वजह से कोई किसी को खा रहा है हमारा फूड चेन चल पाता है फूड वेब चल पाता है एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन यहां पे आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेशन में सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर प्रेडेशन नहीं हुआ तो कोई किसी को खाएगा नहीं आपका वो फूड चेन और फूड वेब बनेगा ही नहीं समझे मेरी बात सो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वन ऑफ़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन दैट वी हैव एनर्जी ट्रांसफर के लिए हमको प्रिडेशन चाहिए दूसरा पॉइंट दिस इज फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन ठीक है दूसरा पॉइंट लिख रही हूं रिड्यूस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एट लोअर ट्रॉपिक लेवल नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में आपस में से लड़ाई हटवाता है ठीक है कैसे ये चीज करता है जब तक कि आपके पास टॉप प्रिडेटर है जैसे टाइगर लायन सोच लो एक जगह पे है है ना वो टॉप प्रिडेटर है तो नीचे वाले लेवल पे जो हिरन है जीब्रा है ऐसे जो हॉर भी है वो आपस में नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका दुश्मन ये है आप जैसे ही इस इकोसिस्टम में से टॉप तो प्रिडेटर हटाते हो अब आपका पॉपुलेशन ऑफ प्रे इज जस्ट गोइंग तो टू बूम कीप्स प्रे पॉप्युलेशन अंडर कंट्रोल प्रिडेशन की वजह से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी नहीं तो आपने जैसे टॉप प्रिडेटर हटाया आपने टाइगर लाइन हटाए ये हिरन दीवरा वीवरा ये सारे आपस में लड़ेंगे मस्त क्यों लड़ेंगे क्योंकि ये खा रहे थे घास इनका पॉपुलेशन एकदम से बूम हो गया क्योंकि इनको खाने वाला तो मर गया है नहीं अब जैसे ही आपके पास टॉप प्रिडेटर नहीं है इनको कोई खा नहीं रहा ये ज्यादा घास खा रहे है. थोड़े टाइम में घास का रिप्लेनिशमेंट कम हो जाएगा वो इतनी जल्दी रिप्लेनेशन नहीं कर पा रही है खुद को तो वेजिटेशन आपके पास कम हुई तो अभी आपस में लड़ेंगे या भूखे मर जाएंगे हंटिंग तो है नहीं जेनेटिक्स में तो एक दूसरे का खून तो कर नहीं सकते हैं आपस में या तो लड़ाई हो जाएगी या फिर ये अपने आप ही मर जाएंगे आउट ऑफ स्टारवेशन सो कीपिंग प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल और इन दोनों स्पीशीज जो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे हैं उनमें लड़ाई ना हो जाए इसको भी कंट्रोल रखता है और एक एनर्जी से एक ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल या उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी मूवमेंट भी प्रिडेशन की वजह से होती है द थ्री मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ प्रिडेशन प्रिडेशन नहीं होगा इकोसिस्टम सिस्टम को कर जाएगा समझे यहां तक समझे बेटा यहां तक है कोई हम्म चलो आगे सो लुक एट दिस ये सारे तो एडवांटेज है प्रिडेशन के प्रिडेटर की बात करते हैं थोड़ा प्रिडेटर की जब आप बात करोगे ना बेटा दिस इज अ वेरी सेंसिबल प्रिडेटर मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रूडेंट Prudent predator. मतलब सेंसिबल हमने पहले भी बात करी है इसी चैप्टर में जब मैंने आपको बताया था कि एक टाइगर और लाइन के सामने से अगर दस डियर जाएंगे तो वो दस के दस को नहीं मारेगा वो सिर्फ उतनों को मारेगा जितने की भूखे तो खाना खाना है तो एक डियर या दो डियर हंट किया जाएंगे उससे ज्यादा नहीं बाकियों को जाने दिया जाएगा क्योंकि अगर वो जाएंगे तो ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ खाना मेरे पास बना रहेगा This is called a sensible predator. एक बारी में अगर सबको मार दिया सबको मार दिया तो फिर खत्म जो हम कर रहे हैं वे आर नॉट ए सेंसिबल प्रिडेटर हम अपने खत्म करते जा रहे हैं हम ये नहीं सोच रहे कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा नहीं हम आज का सोच रहे हैं वे नॉट थिंकिंग अबाउट टूमारो है ना बट नॉर्मली नॉर्मली जो आपके पास प्रिडेटर है वो आगे की सोचता है प्रिडेटर आर मेजरली जस्ट हंटिंग फॉर नीड देर नॉट ग्रीडी ये जो ग्रीड वाला फैक्टर आ गया ना हम में ये गड़बड़ कर आ गया ठीक है ये जो ग्रीडीनेस आ गया वो नहीं चाहिए जितना भूखे उतना खा लो कोई मना ही नहीं है रिप्लेनिशमेंट होता रहेगा रिसोर्सेज का रिप्लेनिश होते रहेंगे रिसोर्सेज बट वंस यू गो बियॉन्ड कल भी बात करी थी एक कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जा ही नहीं सकती है पॉपुलेशन ला जाए ऑर्गेनिजम्स की क्योंकि गई तो रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे आपस में फिर वही चीज होती है जैसे रिसोर्सेज लिमिटिंग हुए क्या होगा लड़ाई कॉम्पिटिशन विल भी क्रिएटेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्टर सर्वाइव स फिटेस्ट इन देंस की या तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा या तो पैसा ज्यादा ठीक है लिख लिया यहां तक चलू आगे चलू आगे समी एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे जैसे प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया इन नाइनटीन ट्वेंटीज ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस का इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया था क्योंकि उसका नेचुरल प्रिडेटर नहीं प्रेजेंट था इससे मिलता जुलता एक हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया में भी है एंड दैट इज आइकोनिया क्राइसेप्स वाटर हाइसिथ टेरर ऑफ बेंगोल वो इतना ज्यादा इसलिए फैल गया इंडिया में क्योंकि उसका जो नेचुरल प्रिडेटर है वो प्रेजेंट नहीं है है ना दैट एक्वाटिक वीड जिसको हम बोल रहे हैं इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हो पाया रीजन बीइंग नेचुरल प्रीडेटर इज एब्सेंट व्हेन द नेचुरल प्रिडेटर इज एब्सेंट प्रे पॉपुलेशन इज जस्ट गोइंग टू गो आउट ऑफ हैंड ठीक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के लिए हमने एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट किया था ठीक में से हमने देखा कि जहां से हमने टॉप प्रिडेटर या प्रिडेटर को हटा दिया वहां इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से आपस में लड़ाई की वजह से ऑलमोस्ट दस स्पीशीज गन ठीक है गायब हुए so, पॉइंटर इज दैट कुछ भी हो एक प्रॉपर डिफाइंड चेन चलती रहनी चाहिए नहीं तो टक 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 गिरेगा पूरा ठीक ठीक अब अब आता है है हमारे हमारे पास आप सोचो तो भाई लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन प्रे वहां से बैठ के वेट थोड़ी करेगा कि आ बेटा खा जा मेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा मैं तो मरने मरने के लिए जिंदा हुआ था आई वे सपोज टू बी योर फूड सो लेट छोड़ो आ जा मरते हैं ऐसा नहीं है ना So, इसके भी कुछ अडेप्टेशन होंगे प्रे इज ऑल्सो गोइंग टू अडेप्ट अगेंस्ट प्रेडेशन। कोशिश करेगा बचने की बचने की कोशिश कैसे करेगा नेक्स्ट पेज पे बता रहे प्रेडेशन के अंदर प्रे के अडेप्टेशन क्या हो सकते हैं प्रे अडेप्टन में हमारे पास सबसे पहला आता है छुप जाओ। फ्लच हाइड विथ द बैकग्राउंड ऐसा कलर कर लेना है कि दिखाई ना दो ठीक है और ज्यादातर एनवायरमेंट से ब्लेंड कर जाता है जैसे आपने मॉथ्स मॉथ्स देखा होगा पॉर्क्यो पाइंट देखे ना पॉर्क्यो पाइंट का भी ऐसे बुशी सा होता है उसने तो नीडल्स बना लिए लेकिन वो ऐसे चुप बैठ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये आपका एनिमल नहीं है ये कोई एस ए स्पाइनी सी बुश है वो तो उसके तो बहुत है, बट यू गेटिंग माई आइडिया ना वी हैव टू ब्लेंड इन द बैकग्राउंड दिखना नहीं है हमको उल्लू वगैरह करते हैं आउल्स करते हैं ऐसा जो होता है ट्री का उसके जैसा ही कलर कर लेंगे बैठे हैं उसके अंदर दिख ही नहीं रहे राइट इवन प्रिडेटर्स भी छुप जाते हैं लेपर्ड वगैरह का आपने देखा होगा कहीं पे चीता लेपर्ड ये लोग ये पीछे बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाता है दिखता ही नहीं है पता ही नहीं चलता कि है भी सो मिक्सिंग विद द बैकग्राउंड इज वन अडेप्टेशन ठीक है टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड कैमोफ्लॉज दूसरा मिमिक्री मिमिक्री होता है किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी करना सामने वाले की कॉपी कर लू मैं ठीक है उसके जैसा दिख जाऊं राइट सो दैट इज नोन एज मिमिक्री मैं इसके जैसा दिखता हूं तो मेरे को नहीं खाएगा कोई जैसे एक एग्जांपल है यहां पे बटरफ्लाई का

बटरफ्लाई ये जो है ना यह पॉइजनस है कड़वा है जहरीला है एकदम ठीक तो इसने तो डेवलप किया अपने लिए एक केमिकल डिफेंस तीसरी कैटेगरी केमिकल डिफेंस

No chemical, only looks like monarch. सिर्फ monarch बटरफ्लाई जैसा दिखने लगा chemical defense नहीं लिया बोला chemical नहीं बना रहा उसके जैसे बस दिख जा तो जिसको हम बोलते हैं शीप इन या लायस क्लोदिंग या ऐसे। ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको ठीक है वुल्स क्लोदिंग हाँ शीप इन वो जो नहीं होता भेड़ बे, ने वुल्फ का कपड़ा पहन लिया टाइप्स। इफ तुम दूसरे हो कोई ये केमिकल डिफेंस नहीं है इसके पास ये सिर्फ मिमिक्री कर रहा है कॉपी कर रहा है उसके जैसा दिखूंगा तो कंफ्यूजन में मुझे भी नहीं खाएंगे और ये चल गया चल गया ये बिल्कुल पैतरा सोच रहे हो कितना मस्त है कॉपी कर लेते हैं सो so नेचर में भी है कॉपी करना चिंता नहीं करो तुम पहले नहीं हो यू आर नॉट द फर्स्ट हा राइट केमिकल डिफेंस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एवोल्यूशनरली बहुत सिग्निफिकेंस है इसका हमें पूरी लीनियज भी मिल जाती है डिपेंडिंग कि ये केमिकल कहाँ 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 किस किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है तो शायद उनका लीनियज सेम हो तो एंसेस्ट्रल स्टडी में भी हमें हेल्प कर देता है बट केमिकल डिफेंस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आपने देखा होगा तो स्क्विड वो इंक फेंक के मारता है ऑक्टोपस में भी है कुछ है ना मुरा बटरफ्लाई बता दिया और आपके पास आएगा प्लांट्स में बहुत है ये प्लांट्स में बहुत है ये प्लांट्स शो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल डिफेंस ठीक है जैसे आपके पास लेटेक्स है रबर है किसी में टॉक्सन है पॉइजनस है कोई बेरी वगैरह है ना पैरालिटिक अटैक आता है सीधा लेटेक्स वाला वाला नहीं लेटेक्स चिपचिप वाला -चिप मैं नहीं खाने वाला हूं। तो हर बीमारी से बच गया है ना गाय थोड़ी खाएगी उसमें लेकिन फिर भी बहुत सारे हैं जिसमें प्लांट डिफेंस कर है। बोला कैनोबिस में बनाऊंगा गंदा सा हालोसनोजन जिससे कि मुझे नहीं खाएगा कोई आप कभी किसी गाय को खाते हुए नहीं देखोगे कैनोबिस है ना आप कभी किसी गाय को नहीं देखोगे कैफिन या टी प्लांटेशन को चल गया ऑब्वियसली उसको थोड़े ना नशा करना है उसको थोड़े ना नींद बगानी है अब पता चला क्या ना ऐसे घूम ठीक है, हमने आज बहुत ज्यादा ऐसे हमारी वो है ना? था, हर बिवरी से बचना अब गड़बड़ी हो गई कि इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया ह्यूमन को करेला कड़वा बनाया करेला कड़वा बनाया कि मुझे कोई खाए ना यहाँ मम्मी उसमें नमक लगा लगा के इसके कड़वाहट निकाल के फिर करेला बनाएंगे भरमा देखो तुम खाओ भाई नेचर ने बनाया था वो कि आप ना खाओ उसको खीरा कड़वा था नहीं खाता था उसको ऑर्गेनिज्म हमने ऐसा इन ब्रीडिंग करा करा के हमने प्लांट ब्रीडिंग करा करा, करा के ऐसा खीरा बनाया कि वाह क्या खीरा है बिल्कुल कोई कड़वाहट नहीं है प्याज काटो के आंख में झाल आ रहा है एकदम रो रहे हैं प्लांट बेचारा बेचाराशन कर रहा है कि ये मैं खतरनाक इतना खतरनाक बना दू कि मुझे कोई खाए ना मिर्ची मुझे कोई खाए डेवलप कर डाला भाई उसी का टेस्ट आ रहा है अब जिंदगी में स्पाइसी फूड प्याज को धो देंगे बिल्कुल एकदम निचोड़ देंगे उसमें कहीं कुछ बच ना जाए कुछ और ऊपर से सिरका भी डाल देंगे मीठी हो गई है प्याज प्याज बोले प्याज की आत्मा बेचारी भगवान ये क्या कर दिया मेरे साथ सो दी अडेप टू बी प्लांट्स कर का अच्छा केमिकल डिफेंस उसकी तो हमने दर्जियाँ उड़ा दी बट बाकियों के खिलाफ चलता है बाकियों के खिलाफ अभी भी चलता है ठीक है यू विल नॉट फाइंड एनिमल्स ग्रेजिंग ओवर सच प्लांट्स दैट केमिकल डिफेंस लाइक लेटेक्स या फिर ट्राइटर पाइंस जो कि आपको क्यूकर बिटेसी फैमिली में मिलते हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा ये फोर्थ इज वार्निंग कलरेशन ब्राइट कलर ठीक है दिस इज फेकिंग कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल ठीक है एक होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एक होता over है ना ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को क्या अच्छा ये वो वाली कैटेगरी है ये सारे छुप रहे थे ये एनवायरमेंट के साथ छुप रहा है ये किसी ये और सिमिलैरिटी बना के छुप रहा है ये इसने ये केमिकल डिफेंस बोला मैं इतना ज्यादा चमकीला और एकदम ऐसे भड़कीला दिखूंगा कि हिम्मत है तो आ खा ले तू ही मरेगा ब्राइटली फ्रॉग्स ब्राइट स्किन शाइनी स्किन ऑफ स्नेक्स वो पूरे हरे बैकग्राउंड में लाल चमक रहे हैं ठीक है येलो चमक रहे सामने प्रिडेटर कंफ्यूज भाई तू तो दिख क्यों रहा है विजिबल कुछ तो गड़बड़ है जैसे तुम्हें नहीं होता इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया मुझसे कुछ तो गड़बड़ है इसमें तो वो वाला छुपना चाहिए तुम विजिबल क्यों हो Hence, छोड़ दिया जाएगा उसको ठीक है चल गया ये पैतरा भी चल गया सो दीज आर ऑफ प्रे टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम प्रेडेशन ठीक है क्लियर चंगा चलो यहां पे एंड करते हैं आज का सेशन वी विल स्टार्ट विथ पैरासिटिज्म एंड पैरासिटिज्म और कंपटीशन दो चीजें रह गई है नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी दिस इज योर जंबो ऑफर गोइंग ऑन दिस इज योर जंबो ऑफर फॉर जुलाई 16 जुलाई तक वैलिड है पूरे प्रॉपर नोट्स चाहिए टाइप्ड हार्ड कॉपी घर पहुंच जाएगी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन वालों को ऑनलाइन कॉपी मिल जाएगी ठीक है सो विल गेट प्रिंटेड नोट इन टू एन टू ट्वेंटी आप कोड लगा सकते होल्सो सर्च कोमल वेरियस प्लेटफॉर्म फाइंड मी नॉट एन इश्यू और अभी आन अकादमी का लर्निंग एप डाउनलोड कर लो बेटा थोड़ा खुद को फमिलियर कर लो आपसे मैं लिंक भी शेयर करूंगी बट कल यहाँ पे हम एक फ्री क्लास करेंगे नाइन थर्टी पे आज नहीं है कल होगा नाइन थर्टी पी एम हंड्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फिर मेरे पास आके मत बोलना ये क्या चल रहा है अभी डाउनलोड कर लो ढूंढ लो ऐप वगैरह ऐप डाउनलोड करोगे तो पूछेगा किसने बोला कोमल लाइव इनवाइट कोड बोला कोमल कोमल लाइव कोड लगा है आई एम क्लास में ये कल होगी क्लास आज ढूंढो थोड़ा घूमो फिरो नए नए टीचर्स दिखेंगे नए नए सेशंस दिखेंगे थोड़ा लुक फॉर इट एंड टुमारो नाइन I'll सी यू यर दिस इज एप्सलूटली फ्री पसंद आ जाएगा तो फिर प्लस पे आ जाना मस्त पांच बजे बैठेंगे क्लास करेंगे कवर रेफरल कोड कोमल लाइव है इन कोड भी यही है बेटा एप डाउनलोड करते टाइम कोई पैसा नहीं मांगेगा बस एंट्री के टाइम पे ऐसे कोड खुलझा सिम सिम जैसा ठीक है खुलझा सिम सिम टाइप कोड कोमल लाइव उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो भी मिल जाएगा टेन परसेंट ऑफ एंड दीज आर अंडर ऑफर तो इनको आप लोग फॉलो कर सकते

ठीक है पेपर को नहीं फॉर्मेट को सेवन क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट नॉट वेरी लेंथी साठ मिनट का पेपर होगा एक घंटे में खत्म कहानी ठीक है आई थिंक जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है आपको और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा एटलीस्ट वन फिफ्टी बच्चे टॉप थ्री में नहीं भी आओगे ना तब भी आपके स्कोर के बेसिस पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूरेशन और परसेंटेज ऑफ ऑफ ठीक है तो वो मिल जाएगा यहाँ पे चलो ये उसके लिए कि इफ यू फाइंड इन अप्रोप्रिएट और हर्टफुल तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है uh, जहां पे आप इसको भेज सकते हो वील ऑल्सो चेक फ्रॉम आर एंड कि क्या चीज थी और क्या गड़बड़ था एंड बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प होगा ओके okay? चलो फर एवर द लाइक शेयर सब्सक्राइब आज के दिन यही खल्लास होता है कल हम मिलेंगे दो क्लास के लिए रात आठ बजे और उसके बाद साढ़े नौ बजे ठीक है जल्द देन स्टे ऐप स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ Take care of yourself and your family. Bye-bye. Good night.